नमस्कार साथियों, आज हम आठवीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, ये कार्यालय पंजी की शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर का आदेश 4 मार्च 2021 का है, जिसमें आठवीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कहा गया है और इसकी तिथि भी दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 8 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक है और आठवीं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की सूचनाएं भरकर पोर्टल पर 100% सही हो सूचनाएं और इसमें हस्ताक्षर और फोटो भी अपलोड करना है। ये पूरी प्रक्रिया दी गई है और किसी भी प्रकार की पूछताछ हो तो आप इस नंबरों पर कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले शाला दर्पण खोल लेते हैं, वहाँ से आप प्रक्रिया को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शाला दर्पण खोलने पर जब ये खुल जाता है तो ये तीन लकीरें हैं, ये इस पर क्लिक करना है। तो साथियों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पाँचवीं आठवीं बोर्ड एग्जाम लिखा है इसको खोलना है। यहाँ खोलते ही यहाँ आ जाएगा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021 प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2021। जब इस पर क्लिक करोगे आप तो अगला पृष्ठ खुलेगा। जब इस पर क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, इसमें पूरी सामान्य जानकारी दी गई है, इनको आप आराम से अध्ययन कर लें। अप्लाई के सभी चरण संपादित किया जाना अनिवार्य है। ये एक बार प्रिंट लेने के पश्चात दोबारा प्रिंट लेने पर ये प्रक्रिया सभी प्रविष्टियाँ भरना अनिवार्य है। फिर इस ये सूचना है, सामान्य सूचना है, सभी सूचनाएँ सभी प्रविष्टियाँ भरना अनिवार्य है। सही होने पर आवेदन प्रिंट करें। तृतीय भाषा का ऑप्शन भरना है और विद्यार्थियों के संस्कृत उर्दू के माध्यम जो भी हैं वो चयन करें आप। फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है और सूची में सभी विद्यार्थियों को विभिन्न विद्यालय एप्लीकेशन से मिलान कर विद्यार्थी विभिन्न सही होने की स्थिति में कक्षा समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करें। सूची में सभी विद्यार्थी को विभिन्न सही होने की स्थिति में लॉक करें और कक्षा सेक्शन सूची लॉक करने पर आवेदन पत्र मान्य होगा और साथ ही आपको आवेदन लॉक करने पर ही मान्य होगा आगामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय समय में भी संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी हुई इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर ये सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे, उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सूचना सभी सूचनाएँ खुल जाएगी। आपको कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर कंफर्म करने के बाद में ये दूसरा खुलेगा, इसमें आपको तृतीय भाषा का चयन करना है, विद्यार्थी का एड्रेस लिखना है, फिर सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद साथियों आपको अगला ऑप्शन खुलेगा, विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद में साथियों आपके लॉक करने का ऑप्शन आएगा, आपको लॉक करना है और जब आप इस सभी फॉर्म लॉक करोगे तभी आपके डाटा अगली प्रक्रिया में शामिल होंगे। यदि आप लॉक नहीं करते हो तो आपके आवेदन आगे नहीं जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार आप आठवीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।